तो दोस्तों फिर YouTube पर दो नए अपडेट हुआ है, आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो अर्निंग जो है और भी इंक्रीज होगा। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। बेसिकली अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा YouTube पर क्या दो नए फीचर अपडेट होने वाला है। तो गाइस इसके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार चैनल को मास्टर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि गाइस मेरे चैनल में ऐसे YouTube से रिलेटेड नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स, नए नए अपडेट से रिलेटेड वीडियो मिलता है, आगे भी मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना, यूजर आईडी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, मोर देन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये दो जो फीचर है, ऐसे तो नए फीचर नहीं है, लेकिन गाइस ये पुराना फीचर है, इसको इंप्रूव किया जा रहा है। YouTube ने अनाउंसमेंट किया जो काफी जल्द इसको रोल आउट भी किया जाएगा। एक ऐसे अपडेट है जिसमें आपका अर्निंग जो है और भी दुगना हो जाएगा, अब एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो ये फीचर के थ्रू। तो दोस्तों पहला जो फीचर होता है YouTube थैंक्स को लेकर के, शायद आपको पता होगा ये पहले से अपडेट है YouTube पर, लेकिन इसको इंप्रूव किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को तो वीडियो को पूरा देखना है तो ही पता चलेगा भाई थैंक्स में क्या चीजें इंप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि थैंक्स जो फीचर है किस तरह होता है, आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूं। टेक्निकल होगी सर, काफी ऐसे क्रिएटर का वीडियोस का नीचे में जो लाइक कमेंट डिसलाइक ये सारा बटन शो करता है, तो उसी का बीच में थैंक्स एक बटन सो डेफिनेटली करता है। तो टेक्निकल होगी सर का वीडियो का नीचे में आप देख सकते हो, तो थैंक्स में आप जैसे ही प्रेस करोगे तो नीचे का तरफ आपको अलग अलग प्रकार का कार्ड देखने को मिले। तो ये सारा कार्ड क्या होता है, तो इसमें प्रेस करके आप अपने जो चाहिए क्रिएटर, जो अच्छा क्रिएटर है, आप जिससे इंस्पायर होते हो, आपको जिससे मोटिवेशन मिलता है, तो आप उन्हीं क्रिएटर को कुछ दे सकते हो थैंक्स के थ्रू। बेसिकली थैंक्स जो होता है लाइव स्ट्रीम पर जैसे सुपर चैट होता है उसी तरह होता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर स्टिकर इस तरह मिलता है बट लाइव स्ट्रीम करने से। लेकिन गाइस ये जो सुपर थैंक्स फीचर है ये हर एक वीडियो पर रहता है, हर एक वीडियो पर कोई भी ऑडियंस आए तो सुपर थैंक्स अगर देना चाहे तो दे सकता है, इसके लिए कोई भी लाइव स्ट्रीम करना नहीं पड़ेगा। तो ये जो फीचर है सभी क्रिएटर का वीडियो का नीचे में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली YouTube ने एक अनाउंसमेंट कर दिया जो काफी जल्द सभी क्रिएटर को, हर एक क्रिएटर को सुपर थैंक्स जो फीचर है मिल जाएगा, जिसमें अर्निंग को और इंक्रीज कर सकता है, दुगुना एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। हाँ, इसमें और एक ट्विस्ट भी है। आप लोग सोचते होंगे, आप लोगों का माइंड में ऐसा भी सवाल आता होगा, जो भाई YouTube एड्स से अर्निंग होता है उसमें YouTube 40% रखता है, क्रिएटर को 55% देता है, लेकिन थैंक्स में जितना इनकम होगा वहां से YouTube कितना परसेंट रखेगा और क्रिएटर को कितना परसेंट मिलेगा? तो गाइस थैंक्स का जितना रेवेन्यू बनेगा, थैंक्स से जितना इनकम होगा उसमें 30% YouTube रखेगा, उसका बाद 70% क्रिएटर को मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया? तो ये थैंक्स जो फीचर है सभी क्रिएटर को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, नए मोनेटाइज हो गया है, तो आपको काफी जल्द थैंक्स फीचर भी मिल जाएगा। दूसरा जो सेकंड अपडेट है काफी इन्फॉर्मेटिव अपडेट है, बेसिकली ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन गाइस हर एक क्रिएटर को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो होता है कम्युनिटी स्ट्राइक को लेकर के, हम लोग जो वीडियोस अपलोड करता हूं काफी टाइम नए क्रिएटर, फर्स्ट टाइम आपने वीडियो अपलोड किया, कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो उस वीडियो पर आपने यूज कंटेंट अपलोड कर दिया, तो उसमें क्या होता है यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक लगा देता है। काफी टाइम ऐसे भी होता है हम लोग वीडियोस अपलोड कर दिया, यूट्यूब का तरफ से कम्युनिटी स्ट्राइक मिल गया, लेकिन गाइस उस वीडियो पर ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया गया है, ना ही किसी का रियूज कॉन्टेंट को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस टाइम हम लोग क्या करता हूँ भाई, हम लोग के पास में ऐसा चैट सपोर्ट भी नहीं मिलता है, टीम के साथ में सही से एक्सप्लेन कर सकूं जो भाई मेरा वीडियो सही है, ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया गया है, ना ही किसी का रियूज कंटेंट इस्तेमाल किया है, तब भी ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक डाल दिया, तो ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिस वजह से काफी ऐसे क्रिएटर क्या करता है भाई, यही सोचता है वीडियो को क्यों ना डिलीट कर देता हूं, उसका बाद कम्युनिटी स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, अब वीडियो को डिलीट करने के बाद भी कम्युनिटी स्ट्राइक जो है वो आपका चैनल पर रहता है। तो इसीलिए यूट्यूब ने एक नए फीचर को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अगर मानो आपका कोई वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया, यूट्यूब ने कम्युनिटी स्ट्राइक डाल दिया, तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप इजीली अपना वीडियो से कम्युनिटी स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो, अगर आपका वीडियो पर सही में गलती से कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया है। तो गाइस इसके लिए वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक है, तो उस वीडियो पर आपको जाने के बाद आप लोगों को कुछ नया बग्स इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जिसमें रिव्यू एंड इशू, तो इसमें पहला आपको वो वीडियो रहेगा जिसमें मोनेटाइज डिसेबल रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी स्ट्राइक मिलने से मोनेटाइज डिसेबल हो जाता है, उसके बाद वो वीडियो डिलीट है या नहीं है वो भी सारा डिटेल शो करेगा। तो आपको नीचे में और एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद और एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें
है। यूट्यूब आपको वीडियो को रिव्यू करने के लिए दे रहा है, आप खुद से रिव्यू करो। लेकिन उससे पहले आपको ऊपर में कम्युनिटी गाइडलाइन को यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है, जो आप वीडियो को तो रिव्यू करना चाहते हो बट अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में नहीं पता तो आप पहले इस चीज को रीड कर, उसमें आपको आसान हो जाएगा आपको वीडियो को रिव्यू करने में। उसके बाद अगर आपको ऑलरेडी पता है कम्युनिटी गाइडलाइन में क्या क्या होता है, उसके बाद में आप अपना वीडियो को रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगे जो भाई मैंने वीडियो पर ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया, ना ही किसी का रियूज कंटेंट इस्तेमाल किया, जो कुछ भी वीडियो पर है खुद का कंटेंट है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में प्रेस करना है। प्रेस करने का दो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन, अगर आपका वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया है, अगर आपका वीडियो पर कोई ऐसी चीज को कॉपी किया है, किसी का रियूज कंटेंट आपने उठा के पटक दिया है, तो आप पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मोर देन मत करो। अगर आपने कहीं में कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया हो तो आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लगे जो आपका वीडियो पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट नहीं किया गया है, सारा कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन का अंदर में है, उसके बाद किसी का कंटेंट भी आपने चोरी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तब भी YouTube ने आपका वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक डाल दिया, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद और एक नीचे में बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप YouTube टीम को बढ़िया से समझा सकते हो, जो भाई मेरा वीडियो पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैंने किसी का कुछ इस्तेमाल किया या ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया। तो उसके बाद आप सारा कुछ मेंशन करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन एक इजी कर दिया गया है जिसको काफी जल्द अपडेट किया जाएगा, लेकिन काफी ऐसे क्रिएटर इसी तरह करता है, भाई वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक गया तो वीडियो को डिलीट कर दिया। भाई वीडियो को डिलीट करने से कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं जाता है, क्योंकि पहला स्ट्राइक आपका चैनल पर रह जाता है लाइफ टाइम तक, उसके बाद दूसरा स्ट्राइक, तीसरा, चौथा स्ट्राइक आता है। तो गाइस ये दो फीचर में से कौन सा फीचर आप लोगों को बेटर लगा कमेंट डेफिनेट करना। अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स, नए नए अपडेट से रिलेटेड वीडियो मिलता है, मिलते रहेगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हो, यूजर आईडी स्क्रीन पर, नीचे में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके फॉलो कर सकते हो। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।